विराट कोहली बेस्ट है, अरे रहने दे बाबर बेस्ट है, अरे विराट कोहली बेस्ट है। गाइस, आजकल इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट गलियारों में ये बहस बढ़ती चली जा रही है। तो चलिए जानते हैं ना कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। बाबर आजम ने अब तक कुल मिला के 220 मैच खेले जिसमें उन्होंने 26 शतक लगाए, वहीं विराट कोहली ने 468 मैच खेले जिसमें उन्होंने 71 शतक लगा दिए। मतलब कि विराट कोहली ने बाबर आजम से लगभग 2.5 गुना ज्यादा मैच खेले हैं और 2.5 गुना ज्यादा ही शतक मारे हैं। वहीं बाबर आजम ने हर 8 मैच में एक सेंचुरी मारी है, लेकिन किंग कोहली ने हर 6 मैच में एक सेंचुरी मारी है। इतना नहीं, बाबर आजम का सिर्फ एक फॉर्मेट में 50 से ज्यादा का औसत है, लेकिन विराट कोहली का तीनों फॉर्मेट में 50 से ज्यादा का औसत है। और इसीलिए क्रिकेट गुरुओं और बाबर आजम के फैंस के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बुरा मानने वाली बात है, लेकिन विराट कोहली बाबर आजम का बाप है। वैसे गाइस, आपके हिसाब से इनमें से कौन ज्यादा बेहतर है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे अब तक कोई भी भारतीय नहीं तोड़ पाया है। यहाँ गाइस, दिनेश कार्तिक एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर के दौरान 12 कप्तानों की कप्तानी में क्रिकेट खेला है, जिसमें सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और KL राहुल जैसे कप्तान शामिल हैं। और तो और, दिनेश कार्तिक को क्रिकेट खेलते हुए इतना समय हो चुका है कि वो उस समय 23 साल के हरभजन सिंह के साथ भी क्रिकेट खेल चुके हैं और आज के 23 साल के अर्शदीप सिंह के साथ भी क्रिकेट खेल रहे हैं। वैसे गाइज, आपके हिसाब से दिनेश कार्तिक को अब कब तक क्रिकेट खेलना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।